फिलहाल तो वो आपको भी पता होगा, आप वहाँ अगर गए थे तो वो नवीन पड़ती है और इन लोगों का रास्ता रुका हुआ है सर। साल हो गया सर, अमर मड़ी मिश्रा हम लीजिए। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। आपको बता दें कि जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया है, चूँकि आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप लोगों के लिए कोई भी मीडिया अगर कार्य कर रही है, आप लोगों के लिए भी जो ज़मीनी स्तर पे जाके काम करती है, उसका आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे लोगों को, ऐसे वीडियो को इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और ख़ास करके उन अधिकारी जो उनके सीनियर अधिकारी हैं, जिनके पास तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंचती हैं, उन तक पहुंचाना आम लोगों का ही काम है। आप पूरे दिन में पता नहीं कितने सारे वीडियो देखते होंगे, स्क्रॉल करके चले जाते होंगे, हो सकता है कि कुछ नाच गाना की वीडियो भी आ रही हो, उसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट हो, लेकिन जो भी अपनी मर्यादा को, जो भी अपने मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए आम लोगों की बातें अगर मीडिया उठाती है, तो उन जिम्मेदार लोगों तक भी वो सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, ताकि जो ये निचले स्तर के बैठ के लोग यहाँ पे और इस तरीके से काम करते हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि जिससे भी, जिनके लिए भी वो वहाँ पे बैठाए गए हैं, उनको काम करने का जो भी पैसा मिलता है, जो भी उनकी तनख्वाह होती है, वो उसी लिए होती है। कुछ चुनिंदा लोगों को चुन के उस पोस्ट तक बैठाया जाता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ जो ये गोंडा के जो मनिकापुर तहसील है, उसके SDM महोदय की। नाम है इनका राजीव मोहन सक्सेना जी। जाहिर सी बात है कि पढ़ाई लिखाई करके सक्सेना साहब बैठे हुए हैं इस पोस्ट पे आके, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने पोस्ट की गरिमा, अपनी मर्यादा को भूल जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी होती है कि आप इनके उच्च अधिकारियों तक ऐसी वीडियो को पहुंचाइए, ताकि इनको पता चल सके। ये धरातल पे अगर धरातल पे जाके और सबसे टॉप क्लास के, जो तहसील के सबसे टॉप क्लास के यहाँ पे अधिकारी हैं, उप जिला अधिकारी महोदय, ये धरातल पे जाके और शासनादेश की बराबर धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई, मैं आपको बता दूँ, ये पूरा मामला है एक गांव का जो मनकापुर तहसील में पड़ता है, वो है मकोइया। और मकोइया ग्राम सभा में एक ज़मीन है जो नवीन पड़ती है, और उस नवीन पड़ती में कह सकते हैं आप कि दबंग टाइप के व्यक्ति, जो चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जिसका नाम है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। किसी के घर के सामने, ठीक सामने, उन्होंने पक्की दीवार जुड़वा दी, और उस दीवार को जुड़ाने में आप कह सकते हैं शासन प्रशासन का हाथ जरूर रहा होगा, नहीं तो इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई, उस पर टीन सेट लग गया, उसके बावजूद किसी अधिकारी की नज़र वहाँ तक नहीं गई। और वो भी नवीन पड़ती किस तरीके की ज़मीन होती है, ग्राम सभा की ज़मीन होती है, आप लोगों को भी पता है। उस ज़मीन पे उन्होंने ज़बरदस्ती, दबंगई के बल पे, यूँ कह लें पैसे के बल पे, ये कार्य कर लिया। अब इनको पीड़ित महिलाएं हैं दो, बराबर 1.5 साल से कंटिन्यू, इसमें भी वही, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमारे इस देश का एक सेना नायक समझ लीजिए, एक कमांडर अगर अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को ऐसे लाइव आके आप लोगों को बता रहा था, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, तो उसको कहीं ना कहीं, चाहे अपने परिवार का दर्द हो, या समाज का दर्द हो, या आने वाली चीज़ों का दर्द हो, फिर भी जो भी चीज़ें हों, तो लाइव आके बताना पड़ रहा है। उसी प्रकार से अगर देवरिया जैसा कांड मनिकापुर के इस तहसील में अगर हो रहा है, या हो जाए, मैं कह रहा हूँ उसका वेट किया जा रहा है क्या?
अगर यहाँ पे एसडीएम महोदय खुद आके निरीक्षण करके गए हैं और ये कह रहे हैं कि गांव वाले अगर कहेंगे तब हम आपको रास्ता देंगे, जबकि उस व्यक्ति का रास्ता पूरा बंद हो चुका है। वो महिलाएं कंटिन्यू कभी योगी आदित्यनाथ जी को उनके पोर्टल से, कहीं पे तहसील दिवस पे, थाना दिवस पे, कोई ऐसी एक स्टेप नहीं बची होगी जहां पे वो महिलाएं ना गई हों, लेकिन उसको कानूनी प्रक्रिया में फंसाया जा रहा है और उस महिला को बार बार तहसील पे दौड़ाया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। उसी को लेके आज हम खुद ही वहाँ पे मनकापुर आए हैं और मनकापुर में एसडीएम महोदय से हमारी बात हुई है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी थोड़ा पहला इस वीडियो में आप देखिए, और ऐसी वीडियो मैं और सारी दूंगा और आपको अंततः ये मिल जाएगा कि वो इतना क्षुब्ध हो गए हमारी बातों से, हमारे क्वेश्चन से, हमारे प्रश्नों से, कि उन्होंने हमको जेल तक भेजने का निश्चय कर लिया था और वो हमको फर्जी मीडिया बता के हमारे ऊपर कार्यवाही करने की बात कर रहे थे। जो भी हो, वो तो वो कर नहीं सके, लेकिन हमको भी कुछ देर के लिए वो परेशान ज़रूर कर गए। अब आप लोग सोचिएगा और ये पूरी वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो बना हुआ है ये मैंने उनसे, उनको पता था कि मेरा कैमरा ऑफ है और वो ये सोच रहे थे कि कैमरा ऑफ है तो आप कैमरा बात कर रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया देखिएगा और उसके बाद ऑन कैमरा उनकी प्रतिक्रिया देखिएगा। और वहाँ पे लोगों का जो हुजूम आया, इतने सारे पीड़ित थे, उनकी सारी प्रतिक्रिया देखिएगा। मैं इस पूरे वीडियो को आपको दिखाऊंगा, ये सीरीज समझ लीजिए, बहुत सारी सीरीज आपने देखी होगी, आज इस सीरीज को भी देखिएगा। और देखने से पहले आप लोगों से निवेदन यही है कि ऐसे अधिकारियों को महोदय तक पहुंचाइए, जो उच्चाधिकारी हैं, जो वहां से, जैसे आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी, बराबर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके कामों को सराहा जा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ के कामों को सराहा जा रहा है, उनके विल पावर को लोग बाग बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं कि तुरंत के तुरंत वो कार्य को निस्तारण करने के लिए लोगों को बताते हैं। लेकिन ऐसे जो अधिकारी बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उनको शायद ये नहीं पता कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब आप पहले तो ये देखिए और पूरी वीडियो सीरीज टाइप में आप देखिएगा इसको, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें उस दिन की। और पूरा दिन ये खेल चलता रहा एसडीएम महोदय और मीडिया के बीच में, आप वो भी देखिएगा, और इनकी करामात को, इनकी करतूतों को देखिएगा। तब से मैंने इनको फ़ोन भी लगाया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाए कि और भी मेरी फिर से उनसे बात हो सके। फिर आप ये सारी पहले वीडियो आप कंटिन्यू देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, और ये वीडियो आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी को टैग करके भेजिए और जो गोंडा की डीएम महोदया हैं उनको टैग करके भेजिए, ताकि उनको पता चल सके। इसमें जितने भी अधिकारी हैं सबकी जवाबदेही तय की है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उसके बावजूद अगर ये अधिकारी इस तरीके से निरंकुश होकर काम कर रहे हैं, आम लोगों की बातें सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, लगाया जाता है, लेकिन उस जनता दरबार को अपना ये दरबार समझ लेते हैं, ना कि जनता की सेवा के लिए ये बैठे हैं, इनको ये भी नहीं पता। मैं इनसे क्वेश्चन किया कि इनके पास फाइलें कितनी हैं, महोदय ये भी ऑन कैमरा नहीं बता पाए कि इनके पास कितनी फाइलें अभी अटकी हुई हैं, कितनी बची हुई हैं और कितने सालों से पड़ी हुई हैं। और चूंकि मैं क्वेश्चन इसलिए लगा रहा हूं कि आप सोच सकते हैं कि अगर एसडीएम मनकापुर को इतनी बातें चुभने लगी, तो इसका मतलब ये है कि शायद इनसे मीडिया सवाल नहीं पूछता। और भाई पूछे भी कैसे, एसडीएम महोदय तो उसको जेल की हवा खिला देंगे, अगर इनसे कोई सवाल कर लेगा तो ये महोदय उसको जेल भेजवा देते हैं। इनके अंडर में जो पुलिस वाले हैं बेचारे, थाने के एसओ को ये खुद बुला के और मीडिया को कह रहे ले जाके बैठाइए,
जब हमने इनसे कहा कि भाई आप हमको बताइए सर, अगर हमारी आपकी कोई बातें ऐसी हुई हों जो कि नागवार गुजरी हों उसको बताइए, अगर हमने कुछ गलती किया हो तो उसको बताइए, लेकिन नहीं, इनको तो भाई अपने जो कर्मचारी हैं, इनके अंडर के कर्मचारी हैं, ये एसओ को फ़ोन करके बुलाते हैं और मीडिया को भेज देते हैं। और हमारी इस आईडी को, मैं आप लोगों को भी ये आईडी अपनी दिखाना चाहता हूँ, आप लोग अगर इसको देख सकते हैं तो देखिए, और इस आईडी को रजिस्ट्रेशन है इस आईडी का, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं मीडिया नहीं भी होता तो क्या आम लोग एसडीएम महोदय से सवाल नहीं कर सकते क्या? अगर आम लोग एसडीएम महोदय से सवाल नहीं कर सकते तो आम लोगों के लिए ही क्यों बैठाया गया है उनको? ये जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा, और ख़ास करके गोंडा वासियों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। मैं ग्राउंड जीरो लेवल पे इसीलिए जाता हूँ कि कम से कम वहाँ की समस्याएं जो हैं वो सारे लोगों तक पहुँचें। और कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ जी का एक अपना जो व्यू है, जो वो ऊपर रखते हैं और गाहे बेगाहे इस कदर आके उठ के सामने आ जाती है कि उनको कड़ी से कड़ी चीज़ें उठानी पड़ती हैं। और उठा के इसीलिए आप देखें देवरिया कांड में कितने लोग नपे वहाँ पे, तो क्या ये देवरिया कांड वापस करने के लिए अधिकारी इसको इंतज़ार करते हैं? क्या दबाव था एसडीएम महोदय के पास में कि जो ये सरकारी ज़मीन थी उसको खाली ना करवा के उसको ये बता रहे हैं कि 67 में मुकदमा चल रहा है, हम उसको देख नहीं सकते, और डेढ़ साल तक मुकदमा चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ बोला है, कितना शासनादेश हुआ है कि इसमें लेखपाल हो, ग्राम प्रधान हो, जो सचिव हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, ये सारे लोगों की जवाबदेही होती है कि ग्राम सभा में कितनी ज़मीन सरकारी है और उस पर कितने अवैध कब्जा हैं, उसको खाली कराने के लिए शासनादेश जारी किया गया है। गाहे बेगाहे इन लोगों की मीटिंग्स होती रहती हैं, खुद माननीय योगी आदित्यनाथ जी लेते हैं, और उसके बावजूद ये अधिकारी इस तरीके से ऑफिस में बैठ के, और आम लोगों की बात छोड़िए, अगर मीडिया को कुछ भी ये लोग समझते हैं तो मीडिया कर्मी के ऊपर अगर इस तरीके से बात कर सकते हैं, उनके ऊपर ये धमकाने, ये डराने का प्रयास कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि आम लोगों के साथ इनकी क्या सहूलियत होती होगी। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए, और मैं फिर कहूँगा ये वीडियो दो लोगों को ज़रूर टैग कीजिए, कम से कम योगी आदित्यनाथ जी को और गृह सचिव को, और ये जो डीएम महोदय हैं इनको ज़रूर टैग करके दीजिए, ताकि अपने अधिकारी की बात ये सुन सकें कि इनके अधिकारी क्या कर रहे हैं। पूरी वीडियो देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए और टैग करके शेयर कीजिए। अच्छा, ठीक है, एक बार फिर मुझे डिटेल दे दो सब केस के बाद। आप लोग बताइए महोदय, आप ही के पास तक आए थे। मैं अमरबड़ी मिश्रा हूँ, रिपब्लिक न्यूज़ टीवी से। जो हमारे कैमरामैन साहब हैं उनकी ये सिस्टर हैं। कौन है ये? ये, और आप वहाँ गए भी थे। मकोहिया का ये मैटर है, नवीन पढ़ती है, और जैसा कि ये लोग बताए तो थोड़ा सा हमको भी अजीब सा लगा कि अगर आप खुद ही गए थे वहाँ पे और आप अगर इस तरीके से कह रहे हैं, क्या कह रहे थे एसडीएम साहब? देखें, पूरा गया है, गांव वाले कहीं
परेशानी हमें है, जिस साल से बहुत हमारा पूरा पैक है सर, अब गेट पे आना है, वो ये कहा थी गलत है, वहाँ से आए सर आए तो गाली देती हूँ हमारे लोग के ढंग। कौन गाली दे रहा था? अब फिलहाल तो वो आपको भी पता होगा, आप वहाँ अगर गए थे तो वो नवीन पड़ती है और इन लोगों का रास्ता रुका हुआ है सर। इन लोगों का रास्ता रुका नहीं, ठीक है, रास्ता नवीन पड़ती है जो कब जाए उससे का बात चल रहा है। कितने साल से चल रहा है सर? कब भी चल रहा है देखना पड़ेगा। बहुत साल हो गया, साल हो गया सर। अमर मड़ी मिश्रा, हम फिर लीजिए इधर भी हेलो ना बताएं। अरे अभी तो 12 बजे तो मेरा कोर्ट होगा तो शाम को ही आप आ जाएंगे। आप बता रहे यही बता रहे हैं कि एक साल से ज़्यादा हो गया उनका 167 में सर। तो शासना देश भी जिस तरीके से है इसमें शासना आप पैर भी कराइए वहाँ से, जिस वहाँ पर सर जब आदेश हो जाएगा तभी कार्रवाई हो पाएगी, है ना, क्लियर। अब देखिए आपकी बातों से तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हमसे भी बता रहे हैं, हमारी बातों से क्या लग रहा है आपको? जैसा आपको हमारी बात ऐसा ही लग रहा है। ठीक है बॉस, अभी फिलहाल मतलब 167 खत्म होगा? 167 नहीं है, 67 67 वन भर्ती पे सरकार जमीन का निर्माण होता है तो वो दर्ज होता है 67 कोर्ट में, जब वो आदेश हो जाएगा तभी इनकी जगह से वहाँ से पक्का निर्माण। आप लोग वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे? कब तक नहीं कर सकते? तब तक कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, चाह के भी। चलो आप यही चीज़ हमको बता दो, ऑन कैमरा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे अभी बोलने का बोलते हैं, ठीक है, क्या चीज़ नहीं है सर, नहीं बोलेंगे फिर भी वही चीज़ हम दिखाएंगे कि आप नहीं बोलेंगे। कोई बात, चलिए लगाओ।